आपको बता दें कि मणिपुर की आयरन लेडी इरोम चानू शर्मिला ने अपना 16 साल से जारी उपवास तोड़ दिया है। इरोम शर्मिला ने शहद से अपना अनशन तोड़ा और उपवास तोड़ते हुए काफ़ी भावुक हो गई, रो पड़ी इरोम शर्मिला। इस मौके पर बोलते हुए इरोम शर्मिला ने कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, मणिपुर की सीएम बनना चाहती हैं। आपको बता दें कि अगले साल राज्य में चुनाव होने हैं, ऐसे में इरोम शर्मिला का ये ऐलान काफ़ी अहम हो जाता है। अनशन खत्म करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत से भी रिहा कर दिया गया। आपको ये बता दें कि सैन्य विशेष अधिकार कानून यानी आसपा को खत्म करने की मांग को लेकर 16 साल पहले इरोम शर्मिला ने उपवास शुरू किया था। शर्मिला को जीवित रखने के लिए साल 2000 से ही उन्हें नाक से ट्यूब के जरिए कुछ खाना लिक्विड फॉर्म में पहुंचाया जा रहा था। पिछले महीने उन्होंने उपवास तोड़ने का ऐलान किया था और कहा था कि अब वो चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगी और शादी भी करेंगी। क्या कहा इरोम शर्मिला ने जब मीडिया उनसे मुखातिब हुआ, क्योंकि इरोम अक्सर मीडिया के सामने नहीं आती थी जब वो अनशन पर थी, लेकिन इस बार देखा गया कि मीडिया से घिरी हुई थी इरोम शर्मिला। कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं यहाँ की, और मुझे लोग अजीब तरह से देखते हैं, जैसे कि मैं एक अलग इंसान हूं, एक आम आदमी की तरह मुझे नहीं देखा जाता है। तो इस तरह की बातें उन्होंने की हैं और रो पड़ी हैं। आज काफ़ी भावुक दिखाई दी हैं इरोम शर्मिला, जो कि काफ़ी मजबूत, काफ़ी स्ट्रांग लेडी कही जाती रही हैं। आई वॉन्ट टू बी द सीएम ऑफ मणिपुर टू मेक ए पॉजिटिव सेंस In sudden time, I know nothing about politics and about academic line also. My education is very, very low. But I want to say, I want to convince our people. I need power. And in Manipur, there is no real democracy. And politics is so dirty, and everybody knows it. But no one knows that this dirtiness is intel. With the people, the society are also involved in this dirtiness. No one accept it. It is the problem, and our society remain adapted to stagnation.